अरे वाह, आज तो सबने अपना होमवर्क किया है। पर ये कालिया, कालिया कहाँ है? आओ आओ ढोलकपुर वासियों। अरे मास्टर जी आप यहाँ? लगता है कालिया ठीक ही कह रहा था कि आज स्कूल में छुट्टी है। आपने देखा कालिया को? कहाँ गया वो? जंगल की तरफ भागा जा रहा था। शुक्रिया चाचा, आप यही रुकिए मास्टर जी। अरे मास्टर जी अभी तक नहीं आए, पर उन्हें तो कभी देर नहीं होती। अगर आज मास्टर जी नहीं आए तो हम सब खेलने जा सकते हैं। या तो तुम हमेशा खेलने के बारे में सोचते हो या खाने के, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि का तो जवाब ही नहीं। ए राजू चुप कर, वरना। सब बच्चे अपनी अपनी किताब निकालो और तुम दोनों बाहर जाकर लड़ाई करो। पर आप कौन है? मेरा नाम है कमल गुल जी, और क्योंकि आपके मास्टर जी एक हफ्ते की छुट्टी पर गए हैं, इसलिए जब तक वो वापस नहीं आ जाते उनकी जगह मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं क्लास में कुछ बता रहा हूँ तो कोई भी बात नहीं करेगा, क्लास में कोई लड़ाई नहीं करेगा, जो भी होमवर्क नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी, मेरे सामने कोई बहाना नहीं चलेगा। कोई सवाल? बहुत अच्छे, तो आज का पाठ शुरू करते हैं। अरे बाप रे, ये मास्टर जी तो बहुत सख्त हैं। छोटी से छोटी गलती की भी कोई ना कोई सजा है उनके पास। और हर चीज के लिए नियम। और इतना सारा होमवर्क कौन करेगा? और नहीं किया तो फिर सजा। अरे पर एक हफ्ते की ही तो बात है, तब तक हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने नए मास्टर जी से क्या क्या सीख सकते हैं। चलो यहाँ से। आओ आओ ढोलकपुर वासियों, आओ आजमाओ अपनी किस्मत, निशाना लगाओ। आओ आओ। क्या कहते हो, किस्मत आजमाए? चलो। आओ बच्चों, निशाना लगाओगे? चलो चलो चलो, एक भी निशाना नहीं लगा। कालिया उस्ताद का नाम खराब कर रहे हो तो। उस्ताद अब तीसरी रिंग सबसे बड़े इनाम पे फेंको। तीन में तीन, वाह बढ़िया।
जी की किस्मत लड्डू की भविष्यवाणी सही थी। है ऐसा संयोग कि सब कुछ होगा अच्छा, पर ऐसे संयोग को धो नहीं देना बच्चा। हाँ सच में मैं अपनी इस अच्छी किस्मत को अब धुलने नहीं दूंगा। क्या मतलब धुलने नहीं दूंगा? अरे कालिया, दो ही दिन की तो बात है, फिर तो नहीं। भीम नहीं, अब मैं और नहीं सह सकता। कालिया तुम तो किसी से नहीं डरते और मास्टर जी से डर गए। स्कूल चलो कालिया, अगर तुम कोई गलती नहीं करोगे तो मास्टर जी तुम्हें सजा क्यों देंगे? यही तो परेशानी है चुटकी, आज भी मैंने होमवर्क नहीं किया। कोई बात नहीं, मास्टर जी को सच बता देना, फिर मास्टर जी तुम्हें सजा नहीं देंगे। ठीक है। Vacations are over, it's time to go back. New bags with books, walks and friends to pack. School rocks, new shoes and socks. School rocks, new shoes and socks. And don't forget the different box. School rocks, new shoes and socks. School rocks, new shoes and socks. And don't forget the different box. वाह बोलो, ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। मैं जानता हूँ, अब बस किसी के आने की देर है। मुझे लगता है ये हमारे जाल में फंस जाएगा। कोई देख तो नहीं रहा, तो फिर ये सिक्का मेरा। बोलो रस्सी खींचो। और एक बार खींचो। जोर से खींचो। चलो स्कूल का वक्त हो गया। सुनो सभी, हमें मास्टर जी बाहर मिले और उन्होंने हमसे कहा है कि आज स्कूल बंद है। क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, इसीलिए उन्होंने हम सबको आज छुट्टी दे दी। क्या बात है दोस्तों, वैसे भी आज पढ़ने का जरा भी मन नहीं था। लेकिन कल तो मास्टर जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। पर मास्टर जी तो कभी बिना वजह छुट्टी नहीं देते। छोड़ो ना भीम, अब जब छुट्टी दे ही दी है तो ढोलो और भोलो से बहस करने का क्या फायदा। मास्टर जी, आप? हाँ मैं। तुम बच्चे तो आज स्कूल आए नहीं, तो मैंने सोचा कि मैं ही यहाँ आ जाता हूँ। लेकिन मास्टर जी आज तो छुट्टी है ना? क्यों, आज तुम्हारा जन्मदिन है? नहीं, आपका जन्मदिन है। हाँ? मेरा जन्मदिन? अब क्या बोल रहे हो? लेकिन मास्टर जी, भोलू और भोलू ने हमसे कहा कि आज छुट्टी है। झूठ मत बोलो, उन दोनों बेचारों पर इल्जाम मत डालो, सिर्फ वो दोनों ही स्कूल आए थे। तुम सबको दंड मिलेगा। सबके सब अपना होमवर्क निकालो। अरे कालिया, आज तुम स्कूल नहीं गए? वो
असल में आज स्कूल की छुट्टी है, छुट्टी छुट्टी छुट्टी। अरे वाह, आज तो सबने अपना होमवर्क किया है। पर ये कालिया, कालिया कहाँ है? लगता है आपके डर से खिड़की से बाहर भाग गया। चलो पहले उसे ढूंढ कर लाते हैं, उसके बाद मैं तुम सबको एक आखिरी पाठ पढ़ाऊंगा। आप यहाँ? लगता है कालिया ठीक ही कह रहा था कि आज स्कूल में छुट्टी है। आपने देखा कालिया को? कहाँ गया वो? जंगल की तरफ भागा जा रहा था। शुक्रिया चाचा, आप यहीं रुकिए मास्टर जी। नहीं कालिया, मुझे तुम्हारी माफी नहीं, तुम्हारी मेहनत चाहिए। असल में तुम मुझसे नहीं, पढ़ाई से डरते हो। डट कर मेहनत करोगे तो तुम्हें किसी भी चीज से भागने की या डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे? उसकी रफ्तार तो देखो, कर चुका ये मुझसे मुकाबला, ये तो मुझसे सपने में भी नहीं जीत सकता। टोरो को परेशान मत करो, वो अभ्यास कर रहा है, तुमसे मुकाबला भी करेगा और जीतेगा भी। उसकी बातें मत सुनो टोरो, तुम बस अभ्यास पर ध्यान दो। अरे मैं सच में हार गया। तो क्या हुआ, जीतने से ज्यादा जरूरी होता है भाग लेना। उस रास्ते पर दौड़ो। शाबाश टोरू, दौड़ तो तुम ही जीतोगे। मुझे याद किया, तुम लोगों को सच में लगता है कि टोरू मेरे साथ दौड़ लगाकर जीत
जीत जाएगा। टोरू दौड़ जीत कर ही तुम्हारे सवाल का जवाब देगा। एक दो तीन। क्या कर रहे हो? देखा नहीं, दौड़ शुरू हो गई है। हाँ हाँ देख लिया, और तुम सब भी देख लेना। टोरू के पीछे जाकर भी मैं पहले पहुँच कर दौड़ जीतूंगा। ये रोरू क्या कर रहा है? मैं उस पर नजर रखता हूँ। तुम्हें सांप से डर लगता है ना टोरू? अब देखो मैं क्या करता हूँ। मैं तो भूल ही गया था कि सांप से तो मैं भी डरता हूँ। तुम तो जल्दी ही दौड़ खत्म कर देगा। टोरू के लिए मुश्किलें खड़ी करने में मैं बहुत थक गया हूँ। और ये इतनी जल्दी वापस भी आ गया कैसे? और दौड़ का विजेता है टोरू। मैंने तुम्हें जीतने से रोकने की बहुत कोशिश की, पर तुम फिर भी जीते टोरू। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं रोरू, अगर तुम मेरा मजाक नहीं उड़ाते तो मैं अपने आप को इस काबिल कभी नहीं बना पाता। शुक्रिया रोरू। तैयार हो राजू? हाँ चुटकी, अब दे भी दो डंडा। लो राजू, जोर से घुमा के मारना। रुको रुको रुको, जरा एक एक चक्कर लगा कर। हाँ, अब जाओ अब जाओ। ऊपर उठा के जोर से घुमाओ राजू। ये ले ये ले। उस्ताद हमें उठाओ। राजू संभल के। ये मैंने एक मोटी सी धार की आवाज सुनी। वो धार बौने के पेट से नहीं, कालिया के लेमलेट होने से सुनाई दी। हाँ हाँ ओए क्या डंडा घुमाते घूम रहे हो, दिखता नहीं क्या? नहीं नहीं, और वही खेल का नियम है। हाँ। खेल? कैसा खेल? टॉफी से भरे बौने को बिना देखे मार गिराने का खेल। टॉफी से भरा बौना? इतना आसान खेल, मैं तो एक ही झटके में फुटा देता। अच्छा तो करके दिखाओ भीम से मुकाबला। शुरू हो जाओ। जो पहले बौने को फुटाएगा वो जीतेगा। शुरू हो जाओ। उस्ताद बाएं बाएं। नहीं उस्ताद, दाएं दाएं। अगर मैं ध्यान से सुनूं तो बिना देखे भी बौने का पता लगा सकता हूँ। बढ़िया भीम, तुम कर सकते हो भीम, बस घुमा के मारो। हाँ? इस भीम को तो मैं। अरे कालिया क्या कर रहे हो, ये सही नहीं है। कालिया शायद मेरी तरफ आ रहा है, पर बौने को तो मैं तोड़ कर रहूंगा। भीम संभालो। ये भीम ने कर दिखाया। क्या कहा छचुंदरो, भूल गए तुम मेरे चेले हो? माफ कर दो उस्ताद,
पर इतनी सारी टॉफी देखकर तो हम अपना नाम तक भूल गए।